प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहां पे हम लोग जो है राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी से संबंधित जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं SSC में, उन क्वेश्चंस को हम लोग जो है यहां पे डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका आज का कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। वह विषय जो भारतीय संविधान के समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं है, सार्वजनिक स्वास्थ्य, प्रांतों के द्वैध शासन के उन्मूलन के संस्तुति डैश द्वारा की गई थी 1935 के भारत सरकार अधिनियम। भारत के ये संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका के स्वतंत्रता को लिया गया है अमेरिका के संविधान से। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे बालदेव सिंह। वह पहला क्षेत्र जो स्वतंत्रता के बाद भारत के अंग बना दादरा एवं नगर हवेली 1773 में विनियम अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 से भी जाना जाता है पिट्स इंडिया एक्ट। क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट। भारतीय संविधान जो मौलिक अधिकारों की सूची ली गई है अमेरिका के संविधान से। दूसरे प्रशासनिक आयोग का यह प्रतिवेदन, जिसमें भारत में नागरिक केंद्रीय प्रशासन की पहचान सुशासन के बाधाओं के रूप में की गई, 12वीं प्रतिवेदन। भारतीय संविधान में निहित शक्तियों का सिद्धांत लिया गया है कनाडाई संविधान से। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांत लिया गया है फ्रांस के संविधान से। भारत के संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला लिया गया है ब्रिटिश संविधान से। कहाँ से? ब्रिटिश संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में विधायिका के अध्यक्ष पद और उसकी भूमिका ली गई है ब्रिटिश संविधान से। भारतीय संविधान में एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप लिया गया है कनाडा के संविधान से। वह देश जहां से जनहित याचिका के अवधारणा उत्पन्न हुई है अमेरिका। वह देश जहां न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ है USA। संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम हुआ था ब्रिटेन में। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है इंग्लैंड से। भारतीय संविधान के अवशिष्ट शक्ति यानी रेसिड्यूअल पावर के विचार लिया गया है कनाडा के संविधान से। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे B.R. अम्बेडकर। कौन था? B.R. अम्बेडकर। भारत संविधान का नागरिकत्व का धारा प्रेरित है UK के संविधान से। संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। कौन था? B.R. अम्बेडकर। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के विचार को भारतीय संविधान में अपनाया गया आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से।
वह देश जहां संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों में के बीच किया गया है, भारत। भारतीय संविधान सभा में संविधान के अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारत के संविधान के विशेषता नहीं है एकात्मक प्रणाली। संविधान सभा गठित हुई थी 1946 में। सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष बना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यह अधिनियम या शासन दस्तावेज जिसने इसको प्रतिस्थापित किया था, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ यानी कानून के नियम का अवधारणा लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश का शासित करने वाले मौलिक दस्तावेजों के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935। वह राष्ट्र जिसके संविधान में प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों के विशेषता जोड़ी है, आयरलैंड। वह संविधान में है ना भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का अवधारणा लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारत में एकल नागरिकता का अवधारणा को अपनाया गया है यूनाइटेड किंगडम के संविधान से। भारत द्वारा सरकार के संसदीय प्रणाली अपनाई गई थी यूनाइटेड किंगडम के संविधान के आधार पर। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। भारत के संघीय रूप अपनाया गया था कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान के अवशिष्ट शक्तियों के विच का विचार प्रेरित है कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य लिए गए हैं USSR के संविधान से। भारतीय संविधान में याचिका और द्विसदनीय पद्धति प्रेरित है यूनाइटेड किंगडम के संविधान से। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप प्रेरित है यूनाइटेड किंगडम के संविधान से। भारत के संविधान में व्यापार के स्वतंत्रता का अवधारणा ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान लिखने वाले संविधान सभा के सदस्य थे 296। भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को इस रूप में जाना जाता है भारत। सत्य कथन है 1952 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान का निर्माण के दौरान 1946 में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था B.N. Rao को। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता सिद्धांत का सिद्धांत लिया गया है फ्रांस से। भारतीय संविधान का प्रारूप समिति में थे 7 सदस्य। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्षता की डॉक्टर V.R. Ambedkar ने। प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारतीय संविधान के नेताओं ने जो है स्वतंत्रता समता और बंधुता के सिद्धांत को लिया था फ्रांसीसी संविधान से। कहाँ से? फ्रांसीसी संविधान से। भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल के प्रावधान को लिया गया है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से। संविधान सभा में भारत के संविधान के अंगीकृत किया 26 नवंबर 1949 को। भारतीय
संविधान का जनक माना जाता है भीमराव अंबेडकर को। संविधान के अनुच्छेद और अनुसूची यानी आर्टिकल एंड शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। राज्य सूची का भाग है पुलिस, राज्य सूची का भाग है पुलिस। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है भाषा से। राज्यसभा के स्थानों का आवंटन संबंधित है 4थी अनुसूची से। दल बदल संबंधित प्रावधान संबंधित है 10वीं अनुसूची से। वह भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है फारसी। संघ सूची में शामिल विषय बंदरगाह। संवर्ण सूची में शामिल विषय मजदूर संघ। मूल भारतीय संविधान, मूल भारतीय संविधान में 10 भाग और 395 अनुच्छेद होते हैं तो 22 भाग होता है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य सरकार को आदेश अध्यादेश लाने का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 213। आधिकारिक भाषाओं की सूची को भारतीय संविधान में रखा गया 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 वह संविधान संशोधन अधिनियम जिसके द्वारा अनुच्छेद 21A को एक मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया। 86वें संशोधन अधिनियम भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का निर्धारण करता है अनुच्छेद 124। भारत के संविधान की 2री अनुसूची के भाग ई में किस अधिकारी के वेतन और परिलंबितियों का उल्लेख है नियंत्रक और महालेखक लेखा परीक्षक के। भारतीय संविधान का वह सूची जिसमें राज्य और उनके क्षेत्र के निर्दिष्ट किया गया है प्रथम। वह विषय जो भारत के संविधान के संघ सूची के तहत है रेलवे। वह अनुच्छेद जिसके तहत संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित की है अनुच्छेद 19। भारत में या भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जिसका यह प्रावधान किया कि प्रत्येक भारतीय राज्य का एक पाल होगा अनुच्छेद 153। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है 331। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत में एक राज्य के गठन के लिए किया गया है अनुच्छेद 3। जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था अनुच्छेद 370 के तहत। किसके अनुच्छेद 370 के तहत भारतीय संविधान भारत को घोषित करता है राज्य के यूनियन। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का सत्ता प्रदान करता है अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अपने नागरिकों के धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देती है अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 23 और 24। भारत के संविधान के अनुसूची हैं, भारत के संविधान में अनुसूची है तो 12 अनुसूची है। संसद के पास भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति है संविधान का वह अनुच्छेद जो संसद के यह शक्ति प्रदान करती है अनुच्छेद 368। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत उल्लेख किया गया है मूलभूत कर्तव्यों का। किसी भी परिसंकटमय
नियोजन में काम करने के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का निषेध भारतीय संविधान में वर्णित है अनुच्छेद 24 में। जनवरी 2019 तक भारत संविधान के अनुच्छेद की संख्या थी 465। जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें अनुच्छेद थे 8। भारत के संविधान में आरंभ के समय अनुच्छेद थे 395। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है 22 भाषाएं। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में काम करेगा अनुच्छेद 144। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकते हैं अनुच्छेद 124। वह अनुच्छेद जिसके तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा और पुलिस भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है अनुच्छेद 312। भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार डैश के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं शुरू की जा सकती। राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग प्राप्तकर्ता के रूप में प्राप्तकर्ता के नाम के साथ उपसर्ग और प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता अनुच्छेद 18(1). भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों के की स्थापना और प्रबंधन करने का अधिकार देता है अनुच्छेद 30। भारतीय संविधान में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और संबंधित है अनुच्छेद 19(a) से। भारतीय संविधान के अनुसूचियां हैं 12। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के लेखा नियंत्रक और महालेखा प्रशिक्षक CAG के लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है अनुच्छेद 148। वह अनुच्छेद जो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है अनुच्छेद 370। भारतीय संविधान का वह सूची जिसके अंतर्गत खेल का विषय आता है राज्य सूची। संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधार को प्रभावित करने के लिए विधेयकों के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक होती है राष्ट्रपति की। भारतीय संविधान का वह अनुसूची जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के बारे में प्रावधान है 11वीं अनुसूची। वह राज्य जहां के आदिवासी क्षेत्रों पर भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची लागू होती है असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो जीवन की रक्षा और वैयक्तिक स्वतंत्रता की गारंटी देती है अनुच्छेद 21। वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21। जनवरी 2019 तक की स्थिति के अनुसार संविधान का वह सूची जिसमें कृषि को एक विषय के रूप में शामिल किया गया था राज्य सूची। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है अनुच्छेद 356।
समवर्ती सूची के विषय में शामिल है जनसंख्या नियंत्रण। भारत के संविधान में मूलतः थे 395 अनुच्छेद। भारतीय संविधान का वह अनुसूची जो नगर पालिकाओं से संबंधित है 12वीं अनुसूची, वह अनुच्छेद जिसके तहत भारतीय संविधान में यह निर्दिष्ट किया गया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों का अवृद्ध कर होगी, अनुच्छेद 141। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो वित्त आयोग के गठन में मंजूरी देती है, अनुच्छेद 280। भारत के संविधान की वह अनुसूची जिसमें विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है, तीसरी अनुसूची। कौन है तीसरी अनुसूची? भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान के भाग पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का को एक सेकुलर राज्य के रूप में वर्णित करता है प्रस्तावना। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता अवधारणा प्रेरित करती है इंग्लैंड से। आर्थिक समानता के बिना राजनीति स्वतंत्रता एक भ्रम है, GDEH कोल का यह कथन है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय को स्वीकारा गया राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक न्याय के रूप में। अगस्त 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष था बिडुल भाई पटेल। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय का उल्लेख है, इनमें शामिल है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार छुआछूत को समाप्ति समता के अधिकार। भारत में कही जाने वाली ये स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार हैं, स्वतंत्रता का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार बंधुआ मजदूर पर रोक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है, अनुच्छेद 12-35। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है मुफ्त कानूनी सहायता। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के रूप में सूचीबद्ध नहीं है यातायात नियमों का पालन करना। यह रीट जो ओ तय जारी कर रही है जब न्यायालय को पता चलता है कि जो व्यक्ति पदासीन है परंतु उस वक्त के लिए पात्र नहीं है। अधिकार पृच्छा जो कुओ वारंटो। भारतीय संविधान के अनुसार न्यायालय में प्रवर्तनीय है मूल अधिकारी। भारतीय संविधान के राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं किया गया है सूचना का अधिकार। कौन सा? सूचना का अधिकार। संविधान का वह अनुसूची जिसमें भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सूचीबद्ध किया गया है, पहली अनुसूची। राज्य का अनिवार्य कार्य नहीं है मनोरंजन की व्यवस्था करना। संविधान का वह भाग जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान का वह अनुसूची जो भारत के ई भाषाओं में संबंधित है, 8वीं अनुसूची।
भारतीय संविधान के दूसरी अनुसूची का संबंध है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन होता है, अनुच्छेद 343 ZD। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत संसद जो नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया है, अनुच्छेद 11। वह राज्य जिसमें पंचायत प्रणाली विद्यमान है, अरुणाचल प्रदेश में। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति प्रशासनिक प्राधिकरण। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है, अनुच्छेद 44। किससे संबंधित है? अनुच्छेद 44। वर्ष 1978 में किस संशोधन के ने वर्ष 1978 के किस संशोधन ने संपत्ति को खरीदने, रखने और बेचने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया? 44वां। संपूर्ण भारत का भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो सभी नागरिकों के लिए सामान्य न्याय और मुफ्त कानून सहायता को प्रोत्साहित करता है, 39A। लोकसभा के में नामित सदस्यों का अधिकतम संख्या होती है 2। पंचायत ग्राम पंचायत का निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल है 5 वर्ष। राज्य के लोकतंत्र का तीसरा स्तर कहा जाता है स्थानीय स्वशासन। भारतीय संविधान का वह अनुभाग जिसको भारतीय संविधान के अंतरात्मा के रूप में भी जाना जाता है, मौलिक अधिकार। उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है, समानता के अधिकार। भारत जीवन के अधिकार राइट टू लाइफ अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में मान्यता देता है पानी के अधिकार को। किसी गिरफ्तार व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर संविधान के अनुच्छेद 22 और आपराधिक कानून के संबंध में सही कथन है। पुलिस हिरासत में दिए गए बयानों के को आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। नागरिकों के मूल अधिकार भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है, भाग 3। भारतीय संविधान का वह भाग जिसमें चुनावों पर अनुच्छेद है, भाग 15। हमारी प्रस्तावना में वह शब्द जिसका अर्थ ऐसा आचरण करना है जैसे कि हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, बंधुत्व, भारत के संविधान के प्रस्तावना में शामिल नहीं है, धर्म, नगर निगम का कार्य नहीं है, कानून और व्यवस्था। वह अधिकार जो 1978 में एक मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार। 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आर से संबंधित है, अनुच्छेद 21A। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द डैश द्वारा यह परिकल्पित है कि कानून के समक्ष सभी समान है, समता। क्या है? समता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के हैं डैश और आदर्शों को व्यक्त करती है, दर्शन। स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है अनुच्छेद 19 में। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य है धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना।
मौलिक अधिकारों के एक भाग के रूप में भारतीय संविधान गारंटी देती है समानता के अधिकार की। भारत में जिला सड़कों का रख रखाव किया जाता है जिला पार्षद द्वारा। एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थानों से राज्य के अलग करने का वकालत करता है वह कहा जाता है धर्म निरपेक्षवादी। संघवाद के संस्थागत तंत्र में राज्य व्यवस्थाएं होती है दो, पंचायती राज संरचना में स्तर होती है तीन, प्रत्येक पंचायत जब तक कि किसी भी कानून को लागू होने के तुरंत बाद कुछ तय के लिए भंग न हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से डैश वर्ष वर्षों तक जारी रहेगी उसके बाद नहीं। पाँच, भारत के संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों ऐसे राज्य को गठित नहीं की जा सकती जिसकी संख्या डैश से अधिक है 20 लाख। भारत के संविधान का भाग चार स्पष्ट रूप से राज्य से किसके प्रति सूचना देने का आशा नहीं करता है। नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार फ़ोन कॉल का दोहन टैपिंग संविधान के अनुच्छेद डैश में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। 21, भारतीय संविधान में जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधित है अनुच्छेद 21 से। वह समिति जिसने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है अनुच्छेद 15। यदि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से कारावास भेज दिया जाता है तो उसे कदाचार प्रदान करती है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है संपत्ति का अधिकार भारत के संविधान में समवर्ती सूची में उल्लेखित नहीं है। बैंकिंग भारत के संविधान का वह भाग जो नागरिकता से संबंधित है भाग 2। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत 14 वर्षों से कम आयु के बच्चे को किसी भी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 51 का ए। वह विशेषण जो संविधान की प्रस्तावना का अंग नहीं है सहिष्णु। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो धार्मिक स्वतंत्रता के आधार से संबंधित है अनुच्छेद 25। भारत में संघ बनाना है एक मौलिक अधिकार 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कितना 5 वर्ष होता है। भारतीय संविधान का वह भाग जिसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है भाग तीन। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें सामान्य नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड स्थापित करने का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 44। भारत के संविधान द्वारा नागरिकता प्रदान की जाती है एकल नागरिकता। राज्य के पंचायत चुनाव कराए जाते हैं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था 1955 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार है एक मौलिक अधिकार। वह मामला जिसके कारण संविधान के अनुच्छेद
21 के तहत जीवन के आधार के भाग के रूप में आजीविका के आधार बरकरार किया गया था। उल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम। इंदिरा साहनी और अन्य बनाम BOI मामला संबंधित है आरक्षण से। भारतीय संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता है जिसकी संख्या डैश से अधिक ना हो 20 लाख से। वह शब्द जो भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया है, अखंडता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(v) के अनुसार नगरपालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आवश्यक है 21 साल। भारतीय संविधान का वह भाग जिसमें भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रावधान है, भाग 8। आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया हो। अगर किसी तरीके का कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताएं। डेफिनेटली आपको एक बेटर सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड किया जाएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।